मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अहम बैठक लेने के बाद जो फैसला लिया है उससे लोगों में काफ़ी खुशी है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कि काफ़ी समय से जब जनता कर्फ्यू की शुरुआत हुई उसके बाद से ही रविवार के दिन पूरा शहर बंद रहता था और पूरे मध्य प्रदेश में यही स्थिति थी। लोगों का यही मानना था कि जो रविवार का दिन होता है लोगों का घूमने का और यहाँ पर बाहर निकलने का दिन होता है, परिवार के साथ एंजॉय करने का समय होता है। लेकिन कई व्यापारी ऐसे थे कि उनका यह भी कहना था कि जो रविवार के दिन जो व्यापार होता था वो काफ़ी अच्छा व्यापार यहाँ पर देखा जाता था। काफ़ी समय से रविवार के दिन यहाँ पर जो है कर्फ्यू का माहौल बना हुआ था, रविवार के दिन पूरा मार्केट बंद रहता था। लेकिन आज जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अहम बैठक लेने के बाद यह निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में अब किसी भी शहर में या किसी भी ज़िले में किसी प्रकार का कर्फ्यू नहीं रहेगा, चाहे वो कोई सा भी समय हो, लेकिन रात्रिकालीन जो कर्फ्यू है वह जारी रहेगा। रविवार का जो कर्फ्यू था उसको समाप्त कर दिया गया है और अब रविवार के दिन भी पूरी तरीके से बाज़ार और मार्केट खुले रहेंगे, लेकिन कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन पूरा करना पड़ेगा। उसी के साथ रात्रिकालीन जो कर्फ्यू है वो लागू रहेगा, क्योंकि रात्रिकालीन कर्फ्यू का मानना ऐसा रहता है कि जब लोग ज़्यादातर लोग रात्रि को बाहर निकलते हैं और कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा बढ़ता है। जिस प्रकार से देखा जा रहा था कि अभी लगातार इंदौर में संक्रमण कम होते जा रहा है और कई ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर 34 ऐसे ज़िले हैं जिनमें ना के बराबर संक्रमण है, एक भी पेशेंट अभी फिलहाल कोरोना संक्रमण का उन 34 जिलों में नहीं है। उसी को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में रविवार का जो कर्फ्यू था उसको समाप्त कर दिया गया। रविवार का दिन पूरी तरीके से बाज़ार खुले रहेंगे, हालांकि जो आसपास के क्षेत्रों में जितने पिकनिक स्पॉट है वो फिलहाल बंद रहेंगे ताकि लोग वहां पर पिकनिक ना मना सकें, लोग एक दूसरे से संक्रमित ना हों और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना फिलहाल ज़रूरी है। सैनिटाइज और उसके साथ मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, अभी पूरी तरीके से लगातार यह जो है नियम है ये जारी रहेगा। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।